इस वीडियो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड में आपका स्वागत है। हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं, एक वेक्टर कंसीडर करते हैं से ए ओ पी, ये एक वेक्टर है। इसके आसपास एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं थ्री डायमेंशनल इन सच ए वे दैट दिस पॉइंट लाइज इन दी मिडिल ऑफ इट। और जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो थ्री डायमेंशनल बनाते हैं, एक पैरेललोपिपेड हम बनाते हैं जिसकी डायमेंशन डी एक्स डी जेड और डी वाई है। ए वेक्टर इसके कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जेड है एंड वी आल्सो एज्यूम दैट the value of vector increases in positive axis direction, धनात्मक दिशाओं में a की वैल्यू बढ़ती है और ऋणात्मक दिशा में कम होती है। हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स किसी भी सरफेस से, मान लीजिए ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर कोई वेक्टर है और यहाँ सरफेस एरिया इतना है, देन ए डॉट डी एस ये फ्लक्स कहता है, यानी ए डी एस कॉस थीटा। और यदि थीटा जीरो हो तो कॉस जीरो इक्वल टू वन, तो ए इंटू डी एस इतना होगा। तो ये दिमाग में रखकर हम आगे बढ़ते हैं और फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं एक्स डायरेक्शन में। हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो ये जो अपोजिट सरफेसेस हैं, ये वाली और ये वाली, इन सरफेस पर हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी है और फिर हम एक्स डायरेक्शन में नेट फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ फ्लक्स निकालने के लिए हमको यहाँ पर वैल्यू निकालना पड़ेगी ए की, यहाँ वैल्यू कितनी, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में वैल्यू है एक्स ए एक्स यहाँ सेंटर में, यहाँ पर हम इतना डिस्टेंस चल के आ गए डी एक्स बाई टू। तो पहले हम रेट निकालेंगे डेल ए एक्स बाई डेल एक्स, उसके बाद डी एक्स बाई टू का गुणा कर दें तो इतना और बढ़ जाएगा, ये इसमें जुड़ गया, ये वैल्यू आ गई। और फ्लक्स दिखना है तो एरिया का गुणा करें, तो एरिया है डी बाई डी जेड, और एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एरिया की डायरेक्शन और वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो यहाँ कॉस जीरो आएगा। यहाँ पर हम देखें सरफेस एरिया उतना ही आएगा डी वाई डी जेड, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर बाहर की तरफ होगी और यहाँ पर वेक्टर इस तरफ होगा, वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी, क्योंकि हम माइनस, क्योंकि हम मान चुके हैं कि घटता है, तो ये तो हो गई रेट और ये हो गया टोटल चेंज डी एक्स बाई टू। तो यहाँ पर वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, सेंटर पर जितनी थी उसमें से इतनी कम हो जाएगी। और उसका फ्लक्स यदि लिखना है तो यहाँ पर पहले की तरह डी बाई डी जेड और डायरेक्शन अपोजिट है तो कॉस पाई, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, कॉस पाई इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो इन दोनों सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है वो टोटल कितना है इन दोनों का सम, तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फ्लक्स यदि हम निकालें तो वो ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल ए एक्स बाय डेल एक्स कॉमन लिया डी एक्स बाय टू प्लस डी एक्स बाय टू, और ये डिवाइड डी जे ये भी कॉमन,
ये हो गया टोटल डी एक्स दोनों मिला के। इसी प्रकार से यदि हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं वाई और जेड डायरेक्शन में नेट, तो वो इतना आएगा वाई डायरेक्शन में, यहाँ पर आ जाएगा डेल ए वाई बाई डेल वाई और डी एक्स डी वाई डी जेड, और जेड डायरेक्शन में अगर निकालें तो आ जाएगा डेल ए जेड बाई डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। इसको एक दो तीन नाम देके और टोटल कर दें, इसको हम जोड़ दें तो डी एक्स डी वाई डी जेड कामन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा डेल एक्स बाई डेल एक्स डेल ए वाई बाई डेल वाई डेल ए जेड बाई डेल जेड। तो अगर इस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स यदि हम निकालें, नेट फ्लक्स थ्रू दी होल सरफेस, तो वो इस प्रकार से आएगा डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड, ब्रैकेट क्लोज, और डी एक्स डी वाई डी जेड। यदि डी एक्स डी वाई डी जेड क्या वैल्यू है इसका, इसको इधर ले आए तो आ जाएगा नेट फ्लक्स अपॉन वॉल्यूम, यानी नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो क्वांटिटी है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डेल डॉट ए, ये हमको अलग से कैलकुलेट करके बताना है कि डेल डॉट ए निकाले यदि हम डेल वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर ए आई एक्स जे वाई के ए जेड और डेल आई डेल डेल एक्स जे डेल डेल वाई के डेल डेल जेड, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा। सो वी कैन राइट दिस, दिस इज डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस इज इक्वल टू नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस।